नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। घर में धमाका और एक की मौत। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के चक स्वार मोहल्ले में घर में सिलेंडर के विस्फोट से घर में रखे पटाखों में आग लग गई, जिसके बाद विस्फोट होने शुरू हो गए। लगातार कई विस्फोट के चलते मकान के परखच्चे उड़ गए। वहीं एक व्यक्ति की चपेट में आकर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी लगाई गईं और ध्वस्त पड़े मकान की बारीकी से छानबीन की जा रही है। घटना में 25 वर्षीय शहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्षेत्र में चकसवार मोहल्ले में एक घर में सिलेंडर फटे हैं, उससे मकान गिर गया है। यहाँ पर आए हैं तो कुछ पटाखे भी यहाँ पर हमें मिले हैं, जो पटाखे बनाते हैं शादी ब्याह में। एक व्यक्ति की इसमें डेथ हो गई है, बाकी रेस्क्यू किया जा रहा है। हमने चेक कर लिया है और कोई डेड बॉडी यहाँ पर नहीं है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस पूरा कर रही है। अच्छा, लगभग कितने लोग इसमें मकान में, कोई घायल है या दबे हुए थे? नहीं, घायल होने की कोई सूचना अभी नहीं है और दबा नहीं है बिल्कुल भी। हमने चेक कर लिया, फिर भी जो ड्रिल है हमारी, जैसी मांगा कि हम एक एक सामान को हटा के चेक कर रहे हैं। अच्छा, एक तरह से देखा जाए अवैध घनी आबादी में जो है अवैध तरीके से जो है मतलब एक तरह पटाखे बनाए जा रहे थे, क्या निश्चित रूप से गलत है? इसके तहत जो विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। पेशा रामपुर से मुजासिम खान की खास रिपोर्ट।